ग्वालियर की ओर रुक कर लेते हैं। ब्लैक फंगस से तीन मरीजों की मौत हुई है। इंसिडेंट कमांडर आनंद यादव सहित तीन लोगों की मौत हुई है। इंसिडेंट कमांडर को दिल्ली रेफर किया गया था। दिल्ली ले जाते वक्त मथुरा के पास रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। उद्योग विभाग के जीएम आनंद यादव बताए जा रहे हैं। जोन 15 के इंसिडेंट कमांडर थे आनंद यादव। जयारोग्य में ब्लैक फंगस के 45 मरीज भर्ती थे, तो शहर में कुल 90 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं। जालौन की सुमन और छतरपुर के नारायण ने भी दम तोड़ दिया है। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रहलाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ब्लैक फंगस के लगातार अब मामले बढ़ते जा रहे हैं और आतंक देखा जा रहा है अब इसका, क्योंकि अब तीन मरीजों की एक बार फिर से मौत हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कह सकते हैं कि इसका आतंक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीज मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के, और इसमें एक अफसर की भी मौत हुई है। और देखे तो वो लगातार निजी अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। कुछ इंजेक्शन जो एम्फोटेरिसिन बी लाइफोसोमल, उसकी आवश्यकता उन्हें थी, लेकिन समय पर नहीं मिले। जब उन्हें दिल्ली इलाज के लिए भेजा गया तो रास्ते में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो इस तरह तीन मरीजों की जान गई है। इसमें एक उत्तर प्रदेश के जालौन और एक अन्य बाहर के जिले का व्यक्ति शामिल है। तो आप देख सकती हैं कि हालात क्या होंगे। इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैकल्पिक दवाओं की भी बात कही गई है, लेकिन वैकल्पिक दवाएं भी उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही। तो बड़ी समस्या ये बनकर उभरा है कोरोना संक्रमण के बाद। बिल्कुल प्रहलाद, देखा जाए तो बड़ी समस्या बनकर अब ब्लैक फंगस उभर रहा है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बता दें, तीन मरीजों की मौत हुई है। इंसिडेंट कमांडर आनंद यादव सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। इंसिडेंट कमांडर को दिल्ली रेफर किया गया था। दिल्ली ले जाते वक्त मथुरा के पास ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया।